आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जल बत्ती जीवन को चेतन काटा बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। एक नेताजी पिट गए, भीड़ ने अच्छी तरह से पीट दिए और ऐसी जगह पर पिटे जैसे आजकल एक केस चल रहा है किसी आपराधिक केस में, और वो जेल चले गए। अब जेल चले गए तो वो जेल में परेशान सोच रहे हैं कि हम कैसे गलत केस में आए। अगर कोई घोटाला उटाला किए होते तो आराम से रहते, टेंशन फ्री रहते। तो वो कह रहे हैं, हर जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में, तेरे लहरी केस रेशमी ले डूबे मझधार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में, के हमसे भूल हुई हमने दिल जुल्फों में अटकाया, और तेरी गलियों के कुत्तों पर खुद को भी कटवाया। अरे क्या सचमुच ऐसा होता है पहले पहले प्यार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। अब वो सोच रहे हैं के घोटाले कर लेते तो हम ढेरों नोट कमाते, घोटाले कर लेते तो हम ढेरों नोट कमाते, और सात पीढ़ियों तक घर वाले खाते मौज मनाते, और ससुर सालियां कारों में
ससुर सालिया कारों में हम लेते मजे तिहाड़ में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। और मुंबई भाग गए होते तो हम मुंबई भाग गए होते तो अभिनेता बन जाते, अगर इलेक्शन लड़ लेते तो हम नेता बन जाते। के पूरा घर संसद में होता, एक परिवार के 23 लोग संसद में, 23 लोग संसद और विधानसभा इनमें हैं हमारे टोंटी वाले नेताजी के। के पूरा घर संसद में होता, हम होते सरकार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। और दोबारा और सोचते हैं कि घर प्रधानमंत्री बनते तो बल्ले बल्ले होती, घर प्रधानमंत्री बनते तो बल्ले बल्ले होती, और फिर तो सारी दुनिया अपने थल्ले थल्ले होती। और पूरा पाकिस्तान तुझे हम, पूरा पाकिस्तान तुझे हम दे देते उपहार में, जानम तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में, जानम तेरे। सतमोला कवियों की चौपाल, इस कार्यक्रम के आयोजक, मार्गदर्शक और इससे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत और धन्यवाद कि साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा योग्य प्रकल्प और योग्य मंच सभी साहित्यकारों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रवीण जी को और उनकी श्रीमती जी, उनके सहयोग से संपन्न हो रहे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में साहित्यकार लिखता क्यों है और हम कवि समाज के लोग लिखते क्यों हैं, यह जब ध्यान में आता है तो फिर क्या लिखना ये भी ध्यान में आता है। बाकी क्या सिर्फ कागज़ काले करने के लिए हमको लिखना है, ऐसा नहीं है। साहित्यकार का मूल काम है, कई बार मैं कहता हूँ, दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी अर्जुन को जब गीता के उद्घोषक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा साहित्यकार मिलता है और वह जब साहित्यिक मार्गदर्शन प्रदान करता है मोहग्रस्त दिग्भ्रमित अर्जुन को, तो फिर गीता रूपी सद साहित्य समाज को मिलता है और उससे श्रेष्ठ धर्म राज्य की स्थापना होती है। यह काम कवि समाज का है, यह काम साहित्य समाज का है और इसके अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जहां पर ऐसा करके कवियों ने दिखाया है। भक्तिकाल के बाद का रीतिकाल है, राजस्थान के और इतिहास में एक प्रसंग आता है जब वहाँ के सम्राट एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे बिहारी नाम के, और एक कवि ने एक छोटा सा दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास हिकाल, अली ही कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। अब एक बहुत छोटा सा एक ये दोहा है लेकिन इस दोहे ने सम्राट की चेतना जगा दी और वो सारे भोग विलास को छोड़ करके समाज और राष्ट्र का कार्य करने के लिए सन्नद्ध हो गए। ऐसा अनेकों जगह पर अपने साहित्यकारों ने मार्गदर्शन किया है, बाहर से तन मन धन मुसे भीतर से सगरी रस चूसे, जाहर बातन में बड़ो तेज रे सखी साजन ना अंग्रेज। अब कितनी सामान्य सी बात है, यानी स्वतंत्रता के काल में कवियों ने ऐसे छोटे छोटे मुकरी के माध्यम से और गांव गांव में शहर शहर में एक चेतना जगाई और वह चेतना जगाने का काम अपने गुरुतर कंधों पर है और वह कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 16 वर्ष पूरे हुए हैं अपने इस
दिव्य भव्य और एक स्तुत्य कार्यक्रम को 16 साल बहुत होते हैं। और एक अपने कविवर ने कहा भी था 16 साल के कई सारे चीज़ें और भी होती हैं। बहुत सारे अपने साहित्य में 16 वर्ष पर गीत हैं, बहुत सारे अन्य प्रकार के दृष्टांत भी जुड़े हुए हैं। लेकिन 16 साल एक जिम्मेदारी भी है। अब आप परिपक्व हो गए हैं और यौवन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारी आपकी पहले से अधिक और बढ़ गई। 16 वर्ष से पूर्व की जो किशोर की अल्हड़ता थी वह त्याग करके यौवन के परिपक्व और उमंग के साथ समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अपनी बढ़ जाती है, यह 16 साल का भी उनको संदेश दे रहा है निश्चित तौर पर। और इसी दिशा में यह हमारी सतमोला कवियों की चौपाल आगे बढ़ेगी और पूरे समाज राष्ट्र में जो एक वैक्यूम आया है, आदमी शिक्षित तो हो रहा है परंतु संस्कारित नहीं हो रहा, सारा जो कबाड़ा हो रहा है, सारा जो विध्वंस हो रहा है वह हो रहा है संस्कारों की कमी के कारण से। क्योंकि जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं, चाहे हत्या होगी, लूट होगी, बलात्कार होगी, व्यभिचार होगा, अनाचार होगा, पापाचार होगा, ये करने वाले लोग कोई पागल मूर्ख दिमागी दिवालियेपन के शिकार लोग नहीं है, ये सब के सब बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। यानी शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। साहित्य के साथ भी यही दुर्घटना हो रही है। साहित्य तो है परंतु साहित्य के नाम पर समाज को परोसा जाने वाला जो और साहित्य है वह साहित्य के नाम पर एक वितंडावाद है जो कि समाज का मार्गदर्शन नहीं करके समाज को भ्रम में डाल रहा है। और भ्रमित समाज क्या क्या कर सकता है उसका उदाहरण बहुत जगह पर देखने को मिलता है। अपनी कवियों की चौपाल निश्चित तौर पर साहित्य में संस्कार का एक सुंदर एक सुगंध डाल करके और समाज को परोसेगी, जिसमें से और समाज संस्कारित होकर के एक श्रेष्ठ भव्य दिव्य भारत के निर्माण में हम सब सहयोगी बनेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। जिस मेहनत देगा धन्यवाद। आए रे तू राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलपति जीवन को ये संस्कार बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ कुछ भी पचाओ। जन्मों की पूंजी जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाए तब भागवत की प्राप्ति। रिश्तों में धन्यवाद देकर आप अपने रिश्तों को कितना खूबसूरत बना सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यक्तित्व में एकाग्रता,
स्मरण शक्ति और ठहराव में वृद्धि करना है। जी हाँ, सुर संगम संगीत शिक्षण के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। आप अपने आप को संगीत की शिक्षा से जोड़ें और एक संतुलित व्यक्तित्व के मालिक बनें। प्रयाग संगीत समिति द्वारा संचालित हमारे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता को बढ़ाएं। सुर संगम। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, तो एक बार आचार्य आरती सिंघल जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। सरल उपाय द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।